बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। सेल के बारे में हम पढ़ेंगे जानेंगे। आपने देखा होगा सेल, बैटरी। सेल होती है वो, अगर एक पर्टिकुलर सेल है तो वो क्या कहलाता है? आपका सेल कहलाता है। कि हम सेलों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दो या दो से अधिक सेल अगर जुड़ जाते हैं आपस में तो क्या होते हैं, आपके बैटरी बन जाती है। तो सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, जो अंदर का सेल होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले तो इस टाइप का होता है सेल, आपने देखा होगा ये। ठीक है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो सेल है ये वाला जो पोर्शन है वो वाला अंदर का मैटर है। ठीक है, तो सेल का जो कंस्ट्रक्शन है अंदर का उसके बारे में पढ़ेंगे हम आज। तो सेल में क्या होता है, आपका एक सेल जो है पहले इलेक्ट्रिक सेल, वो होता क्या है कि एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करती है, वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर क्या करती है, उसमें आवेश का प्रवाह कराती है या फिर वैद्युत धारा का प्रवाह निरंतर बनाए रखती है। क्या कहलाता है आपका, सेल या वैद्युत सेल कहलाता है। वैद्युत सेल इसको दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत सेल। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत सेल ये एक पात्र है और इसमें ये जो डैश डैश रहे ये आपका एक क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन या विलयन घोल भरा होता है, जिसको हम वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दो दो प्लेटें डाल देते हैं, इन प्लेटों को इलेक्ट्रोड बोला जाता है। ये अलग अलग धातुओं की होती है प्लेट। ठीक है, ये दोनों प्लेटें क्या होती है आपकी, अलग अलग धातुओं की होती है। ठीक, तो और ये एक प्लेट पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पर क्या आ जाता है आपका, नेगेटिव आ जाता है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको एनोड बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। इसको एक बाह्य परिपथ से, एक रेजिस्टेंस से और एक बल्ब से या लोड से या किसी पंखे को फ्रिज से किसी भी जोड़ क्या करते हैं, परिपथ हम क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें सेल के अंदर कुछ यहाँ क्या होती है आपकी, वैद्युत रासायनिक क्रियाएं होती हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा क्या हो जाती है आपकी, जैसे हमारा पंखा जल रहा है या फिर आपका बल्ब जल रहा है, तो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, जिसके कारण से क्या होती है, बाह्य परिपथ में क्या होती है आपकी, करंट प्रवाहित होती है। ठीक है, ये सेल का कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे जैसे कि ये सेल। ठीक है, इसका जो अंदर का जो मैटर है इसके अंदर रासायनिक क्रिया होंगी। ठीक है, ये यहाँ से लेके आपका ये यहाँ तक क्या बाह्य परिपथ है, ये आंतरिक परिपथ हुआ इसका सेल का। ठीक, अब उसके बाद आता है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल मतलब बल नहीं है कोई। ठीक है, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हम EMF बोलते हैं। ठीक है, ये बल नहीं है, क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा होती है। ठीक है, तो सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या होता है आपका, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रभावित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। इसको हम इसे हम क्या करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, यदि किसी परिपथ में क्यू कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो द्वारा किया गया, अगर डब्ल्यू जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई बराबर डब्ल्यू अपॉन टू जूल। यानी कहने का मतलब क्यू अगर टोटल आवेश सेल में प्रवाहित हो रहा है तो इसको प्रवाहित करने के लिए हमको डब्ल्यू जूल कार्य करना पड़ा, तो एकांक आवेश को कितना करना पड़ेगा आपका, डब्ल्यू अपॉन क्यू जूल। ठीक है, अब सेल है क्या, कि सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा है। यानी कहने का मतलब है सेल यहाँ से लेके यहाँ आपका अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ से लेके जो क्या कर रहा है आवेश को एनर्जी दे रहा है, आवेश को क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है कि पूरे परिपथ में प्रवाह, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक लग दे, फिर यहीं पर आए, फिर क्या हो रहा है आपका, यहाँ रेजिस्टेंस है उसकी ऊर्जा, यहाँ हमने बल्ब जोड़ा है या कुछ पंखा जोड़ा हुआ है तो वो चलेंगे तो ऊर्जा क्या होगी, उसकी एनर्जी की खपत होगी, तो एनर्जी फिर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ क्या करेगा, एनर्जी भरेगा। ठीक है, एनर्जी भरेगा फिर से जाएगा, ऐसे घूमेगा। यानी सेल सहित पूरे परिपथ में क्या करने, प्रभावित करने के लिए क्या होती है आपकी, जो ऊर्जा चाहिए होती है या फिर जो सेल द्वारा आवेश पर क्यों किया गया कार्य होता है,
वो क्या कहलाता है आपका, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, लेकिन पूरे परिपथ में, एक पूरे चक्र में, एक पूरा चक्र का पूरा होगा आपका जब यहाँ से चल के आपका, जब इसी पॉइंट से चल के क्या होगा आपका, ये आवेश क्या बचेगा आपका, यहाँ पर पहुँचेगा, तब एक चक्र होगा। यानी सेल सहित, यानी सेल के अंदर भी और बाहर भी क्या करता है, आवेश को प्रभावित करने के लिए एनर्जी देता है या उस पर कार्य करता है, तो क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, तो एक चक्र पूरे करने का मतलब ये है कि क्योंकि सेल कार्य कर रहा है, सेल कार्य कर रहा है मतलब अगर एक चक्र है तो इसको हम छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं जो पूरा एक चक्र है। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस है आपकी, क्या कार्य बराबर क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स, यहाँ पर फोर्स जो एनर्जी दे रहा है, तो पुश कर रहा है तो आगे बढ़ रहा है, तो क्या उसको, तो कार्य क्या होती है आपकी, एनर्जी होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि पहले यहाँ बढ़ा, फिर 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 यहाँ बढ़ा, ऐसे करके क्या मिल रही है उसको, एनर्जी मिल रही है। ऐसे कि हम एक आवेश तो दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत क्या संख्या क्या है इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं, क्योंकि आवेश वाहक का कार्य करंट का प्रवाहित करने का काम क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। तो जो विद्युत वाहक बल होता है उसको आप ध्यान में रखिएगा कि सेल सहित पूरे परिपथ में बढ़ाने के लिए जो एनर्जी सेल से प्राप्त होती है इलेक्ट्रॉन्स को या फिर आवेश को, वही क्या कहलाती है आपकी, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये फिर भी विद्युत वाहक बल नहीं है, बल्कि क्या आपका एक एनर्जी है, ठीक है, ऊर्जा है। उसके बाद आता है आपका ई बराबर डब्ल्यू बन के जूल अपॉन कूलाम, तो इसका मात्रक जो होता है आपका वोल्ट होता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर जो होता है आपका, इसको हम टर्मिनल विभव भी बोलते हैं। ठीक है, वो ये एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, बाह्य परिपथ में सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को प्रभावित करने में दी गई ऊर्जा, आवेश द्वारा किया गया, सेल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है आपका, सेल का टर्मिनल विभवांतर होता है। ठीक है, यानी वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू बाह्य अपॉन क्यू, यानी बाह्य में प्रभावित करेगा। कैसे करेगा, देखो कि जैसे ये सेल है, तो बाह्य परिपथ का मतलब ये हुआ कि यहाँ से, यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बाह्य परिपथ। ठीक है, इस रेजिस्टेंस में से क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का। ठीक है, इसमें से नहीं, सिर्फ यहाँ से लेके एक टर्मिनल, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक क्या करेगा, आप इसको प्रभावित करें, ये टर्मिनल भी विभवांतर हुआ। ठीक हो गया, फिर अंदर का जो मैटर है वो आपका, वो अलग चीज़ है, फिर वो ई में आ जाएगा अगर हम टोटल एनर्जी, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है दो भागों में बढ़ रही है, दो भागों में बढ़ती है, मतलब एक तो जो टोटल एनर्जी है वो दो भागों में इसलिए बन रही है, ये यही क्या एनर्जी है, ई एनर्जी है। एक तो आपका बाह्य रेजिस्टेंस में से किसको करना है, आप इसको प्रभावित करना है, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस में से। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये बाह्य रेजिस्टेंस प्लस आपका आंतरिक रेजिस्टेंस में से अगर जो आवेश को प्रभावित होने के लिए एनर्जी दे रहा है, उस पर कार्य कर रहा है, तो वो तो ई हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हुआ। ठीक है, लेकिन जो सिर्फ क्या कर रहा है, बाह्य परिपथ में से आवेश को प्रभावित करने के लिए एनर्जी दे रहा है यहाँ से यहाँ तक के लिए, वो क्या हुआ, सिर्फ टर्मिनल विभवांतर हुआ। ठीक है, वो टर्मिनल विभवांतर हुआ, यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को प्रभावित होने के लिए एनर्जी दे रहा है या उस पर कार्य क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो वो टर्मिनल विभवांतर होता है। इसका क्या है, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू वाई अपॉन क्यू, जूल बट्टे कूलम, इसका भी वोल्ट होता है, वही चीज़ लिखी हुई। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब हमको पता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेल का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, कि जो तार जिसमें से तार जिस तार में से करंट क्या पड़ रही है आपकी, प्रवाहित हो रही है, उसमें क्या करता है, तार चालक के धारा प्रवाहित होने से बाधा डालता है, वही चालक का प्रतिरोध कहता है। वो ऐसे ही क्या होता है, जो सेल का बिलियन है, जो घोल है, जो सेल का जो बिलियन है, घोल है, जो ये बिलियन है, ये घोल है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, बिलियन या विद्युत अपघटन जो क्या करता है, जो धारा के मार्ग में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको इसको स्मॉल आर से इसका मात्रक भी होता है। ये अब कुछ उस पर डिपेंड करता है, चाल ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी पर अनुक्रमानुपाती होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब ये अगर दूर दूर होंगे, ये अगर दूर दूर होंगे क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है दूर दूर होंगे, तो जो धनायन है और ऋणायन आपस में टकराएंगे, क्योंकि जो ऋणायन है आपस में टकराएंगे, जिसके कारण, क्योंकि टक्कर ही क्या होती है आपकी, प्रतिरोध होता है। ठीक है, टक्कर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बाधा ज़्यादा पड़ेगी, तो प्रतिरोध यानी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है आपका आर क्या है, आर ये स्मॉल आर किसके प्रोपोर्शनल है आपका, इसको हम एल भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी डी है। और दूसरा क्या होता है आपका, वैद्युत अपघट्य में
वैद्युतक पट्टी के घोल के इलेक्ट्रॉन के डूबे भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपात होता है, यानी डूबे हुए भाग का जो क्षेत्रफल है कितना, अगर हम ज़्यादा डुबो रहे हैं, अगर हम ज़्यादा डुबो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा उत्पन्न होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा उत्पन्न होंगे तो क्या हो गया, करंट ज़्यादा प्रवाहित होगी, करंट ज़्यादा प्रवाहित होगी तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या होगा आपका, कम होगा। ठीक है, वैद्युतक पट्टी की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती, सांद्रता के अनुक्रमानुपाती का मतलब कि अगर हम अलग अलग विलयन लें, जैसे H2SO4 का लिया हमने, कि PbSO4 लेंगे इसमें, लेड का लेंगे या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, तो उस पर क्या, उसकी सांद्रता पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, यानी उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, किसी का सल्फ्यूरिक अम्ल का अलग है और उसका लेड का अलग होता है। ठीक है, या उस पर क्या करेगा आपका, डिपेंड करेगा।